आइए नमस्कार प्रणाम। मैं राजा रणविजय फिर से आप सबों का स्वागत करते हैं भोजपुरी लाइट क्लासेस के माध्यम से। आज मैं आप सबों के बीच फिर से बहुत ही प्यारा छठ गीत लेकर के आ गया हूँ जो कि कल्पना पटवारी का है। कल्पे ली भीजली तिवैया नु हो उगी हैं दीनानाथ। बहुत प्यारा सॉन्ग है ये। इस गाने को आज मैं जी शार्प स्केल से बताऊँगा। ये गाना जो है हमारा माइनर कॉर्ड में है, यानी सा ग प, सा कोमल ग और प कोड लगा है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से और लोग भी सीख पाएँ। आइए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। एक लाइन पहले मैं गा करके सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को इसका भाव जो है समझ में आ जाए। हर कल पेली भिजली तिवैया नु हो उगी हैं दीनानाथ। कल कल पेली भिजली तिवैया नु हो उगी हैं दीनानाथ, उगी हैं कटलो से कटना समय अनु हो उगी है दीनानाथ। गाने की यही भाव है। आइए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। एकदम स्लो में मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वीडियो को स्किप ना करेंगे तब बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आइए शुरुआत करता हूँ। पहला लाइन, कल 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 पेली भिजली, कल पेली भिजली तिवैया नु हो उगी है दीनानाथ। कल पेली तिवैया नु हो उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ। ये गाने का पहला लाइन है। अब जो दूसरा लाइन है वो भी सेम है। कटलो से कटना समय अनु हो उगी है दीनानाथ, कटलो से कटना समय अनु हो उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ। यह हमारा मुखड़ा हो गया। अब इसका जो अंतरा है वो किस प्रकार है ध्यान देंगे। तीन दिन भूखिए के असरा लगा के, तीन दिन भूखिए के असरा लगा के, काल्हू से निहारे रह घटिया पे आके, काल्हू से निहारे रह घटिया पे आके। अंतरा का जो पहला लाइन है और जो दूसरा लाइन है दोनों सेम ट्यून है। फिर से एक बार। तीन दिन भूखिए के असरा लगा के, काल्हू से निहारे रह घटिया पे आके। अरे बड़ी देर भइले, फिर से जो है उकड़े काटे हुए। बड़ी देर भइले गोसैया नु हो उगी है दीनानाथ, बड़ी देर भइले गोसैया नु हो
उग है देनाना, उग है देनाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आप सबों के बीच एक नए फरमाइश के साथ। आप लोग जो गाना का फरमाइश चाहते हैं वो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस गाने का वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।